मिशन दी कर रहा सी अगुवाई दहशतगर्दा ने मारिया ताबड़तोड़ गोलियां। 2 साल की बेटी एक बेटे नू छड गए ने पिछे। 3 पीढ़ियां तो करदा आ रहा है परिवार देश की सेवा। अनंतनाग तो बड़ी ही मनभागी खबर सामने आ रही है। अतवादियों के नाल मुकाबले दे विच भारतीय फौज के 2 अधिकारी ते 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके ने। इस मुकाबले दे विच मोहाली जिले के न्यू चंडीगढ़ के पिंड भदौजियां के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह भी शामिल ने। मनप्रीत सिंह का परिवार पंचकूला के सैक्टर 26 दे विच रहिंदा है ते खास गल तां इह है कि 3 पीढ़ियां तो यह परिवार देश की सेवा करता होया नजर आ रहा है। इस तों पहलां कर्नल मनप्रीत सिंह अपनी बहादुरी के लिए आर्मी मैडल भी प्राप्त कर चुके ने। शहीद कर्नल मनप्रीत दे पिता भी फौज काम करते सी। इन्हें नहीं कर्नल मनप्रीत का परिवार पिछली 3 पीढ़ियां तो फौज दे विच भर्ती होके जो देश की सेवा करता आ रहा है तो 7वें नौजवान मनप्रीत सिंह दसे जा रहे हैं। शहीद कर्नल के दादा शीतल सिंह ने भी भारत ते पाकिस्तान की वंड तो बाद 3 जंगा लड़िया तो उन्होंने 5 पुत्रां चो 3 फौज दे विच भर्ती हुए। शहीद कर्नल मनप्रीत के पिता लखमीर सिंह भी फौज से। कुछ समय पहला लैफ्टिनेंट कर्नल तो कर्नल वजो तरक्की हुई सी। उन्होंने परिवार के 2 भरा 1 भैण है। अपने पिछे 7 साल का बेटा और 2 साल की बेटी नूं ओह छड गए ने। 7:45 बजे सुबह क्या बोला तुमने? बस यही, मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा शाम को। इतनी सी बात? इतनी बात हुई। उसके बाद आपको कब पता चला? उसके बाद 3:30 बजे के बाद मेरे पास फोन आया भी वो इंजर्ड हो गए। तभी हमने कोशिश की, एयरपोर्ट पर भी गए लेकिन हमारी सुबह की फ्लाइट है, हम देखते हैं जैसे भी अगर वहाँ पहुँच पाए या उनको जैसे भी मिट्टी वगैरह से बात होगी। उनकी पत्नी को मालूम है इसके बारे में? मालूम नहीं है, हमने पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए और जैसे ही कोशिश है हमारी भी रात निकले कम से कम। थोड़ा सा कर्नल साहब के बारे में बता दीजिए, आप जानते थे कैसा उनका जज्बा था? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मतलब मैं उनके पास जाता रहता था और पिछले साल उनको अपनी कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला। अनंतनाग दे विच हुई मुठभेड़ दौरान पंजाब दा कर्नल मनप्रीत सिंह होया शहीद।